हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे ये बताना है कि आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँची है। आप कर रहे हैं तैयारी, चाहे वो टेट की हो या कमीशन की हो, आपको पता है फॉर्म निकल चुके हैं दोनों के। तो वैसे तो टेट की डेट इन्होंने जुलाई और अगस्त की दी है, बट अगर आपने बैच वाइज भर्ती देखी होगी, बैच वाइज भर्ती की इन्होंने डेट 23 जून तक बोला था कि काउंसलिंग होगी, वो इन्होंने स्थगित कर दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर फंसे हुए हैं, उस कारण उन्होंने स्थगित कर दी है। तो मे भी अगर वो वाले बच्चे अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हमारे कई फ्रेंड्स जो हैं मे भी बाहर फंसे हों और टेट का भी एग्ज़ाम ना दे पाएँ, तो क्या पता सरकार का आगे क्या होगा, बट फिलहाल तो उन्होंने डेट दे दी है। तो कमीशन में भी, कमीशन की डेट भी जो है अगस्त तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है अगस्त या सितंबर तक जो है कमीशन भी ये करवाएंगे। तो आपको पता है अब दिल्ली के केसेस बढ़ रहे हैं हिमाचल में, जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कांगड़ा और हमीरपुर में बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो वहाँ पे जो है पेपर कंडक्ट करवाना, और बच्चे कैसे जाएंगे, ना कोई बसेस चल रही हैं, तो उसको ध्यान में रख के सरकार क्या फैसला लेगी कुछ नहीं पता। बट फिर भी आपको इस बार जो है बहुत ज़्यादा टाइम मिला है ये कमीशन की तैयारी करने का, तो आप ध्यान से करें, और अगर आपने जो है अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है ज़रूर करें। तो आपको जो है इसमें एचपी करंट अफेयर और इसमें जो है सोशल स्टडी का भी बोला हुआ है, एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश जो है, और 50 क्वेश्चन ये आने हैं, और 85 जो है 120 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने हैं। तो इन्होंने इस बार ये, अभी आपको पता होगा रिसेंटली इन्होंने सिलेबस में चेंज किया था, तो उसको ध्यान में रख के आप तैयारी करें। तो आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो में जो है हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में करेंगे। ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन वो वाले करेंगे जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए थे, और सेकंड जो है जो भारत के प्रमुख किसान आंदोलन है वो भी इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने आंदोलन के नाम सुने होंगे ये, और ऑब्वियस है सभी को आते होंगे। तो फिर भी मैं इनमें डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या आंदोलन था, कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था और क्यों हुआ था। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 प्रमुख आंदोलन हुए थे, जिनमें से फर्स्ट था चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों हुए थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो हम करते हैं ये डिटेल में। तो इसमें पहले हम जो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले हैं वो करेंगे, उसके बाद भारत के जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं वो भी करेंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो है हमारा ये हुआ था 1917 ईस्वी में, ये जो है बिहार के चंपारण में हुआ था। इस क्यों हुआ था ये आंदोलन, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किसानों को जो है जो उनकी उपजाऊ भूमि है उस पर नील और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया, और बाद में उनको जो है सस्ती दरों पे, सस्ती कीमतों पे बेच दिया था। तो किसानों की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए जो गांधी जी थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, और अंग्रेजों के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ जो है हड़ताल करके जो है उन्हें झुकने पे मजबूर किया था। तो ये भी जो है एक किसान आंदोलन है, चंपारण आंदोलन एक किसान आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अब सेकंड है खेड़ा आंदोलन। अगर खेड़ा आंदोलन की बात करें तो खेड़ा आंदोलन जो है ये गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज की सरकार की कर वसूली के खिलाफ जो है एक आंदोलन था, और ये जो है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था।
1918 में खेड़ा गांव में अकाल और बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हो गई थी। तो किसानों ने जो अंग्रेज सरकार थे उनसे ये अनुरोध किया था कि वो जो कर हैं उसमें छूट दे दें, बट सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो किसानों ने गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है यह खेड़ा आंदोलन शुरू किया था, और भुगतान ना करने का जो है वचन लिया था। और इसके आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों ने जो है उनका जो कर था वो माफ कर दिया था। ये दोनों जो है खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन दोनों ही किसान आंदोलन हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क साम्राज्य की दैनिक स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने जो है यह आंदोलन शुरू किया था। ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है ये क्यों शुरू हुआ था, इसका मेन रीजन जो था वो था जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और रोल अटैक्ट, ये दोनों जो है इसकी वजह थी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आपको पता होगा जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और साथ में रोलेट एक्ट भी इसकी वजह थी। तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक जो है काला कानून था, उसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में जो जो ब्रिटिश सरकार थी उनको ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी जो भारतीय हैं उनको उन पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जो थे उनको जेल में बंद कर सकते थे। तो ये था रोलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने जो है ये पहला जन आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। तो इसका मेन रीज़न जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट था। फिर इस असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया गया, ये इसलिए समाप्त क्यों किया गया क्योंकि चौरा का कांड हुआ था। आपको पता होगा 4 फरवरी 1922 को जो है ये कांड हुआ था, जिसमें 23 पुलिस वाले जो हैं मारे गए थे। तो उस चौरा चोरी कांड के बाद जो है ये बंद हो गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आंदोलन नमक आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 मार्च 2023 को जो है शुरू हुआ था। इसमें जो है गांधी जी ने ये आंदोलन की शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक किया था। क्यों किया था? जो समुंदर का नमकीन पानी से जो नमक बन रहा था उस नमक पर कर लगाने के खिलाफ जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में किया गया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, और गांधी जी ने इसमें जो है करो या मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट करते हैं हम भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। दो तो मैंने आपको बता दिया, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। अब और जो मेन है वो भी कर लेते हैं हम। ये है बारदोली सत्याग्रह, ये किसान आंदोलन था। ये सत्याग्रह जो है 1928 में जो है गुजरात में हुआ, और इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है जो सरकार थी उन्होंने जो है लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, उसको देखते हुए ये आंदोलन जो है शुरू किया था किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन। तो 1946 वर्ष ईस्वी में जो है ये किया गया था तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन जो है जो जमींदार थे और साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ जो है ये किया गया था, और साथ में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके अत्याचारों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था, तेलंगाना आंदोलन और बारदोली आंदोलन सत्याग्रह। तो ये चार जो हैं इसमें हमने किए, चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ था, बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था, और तेलंगाना आंदोलन ये 1946 में हुआ था। ये सारे के सारे जो हैं बहुत मेन किसान आंदोलन है, बहुत ही प्रमुख किसान आंदोलन है, जो हमेशा क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो कर लिए,
है तो आंदोलन ही, बट एक में हमने किया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन से ऐसे 6 आंदोलन थे जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में कौन कौन से किसान आंदोलन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली वीडियो डाल रही हूँ। करंट अफेयर मेन टॉपिक है हमारा HPG के, और बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करें, और साथ में बेल आइकन पे भी टिक करें ताकि कोई भी मैं अगर वीडियो डालती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।